हेलो, कौन बोल रहा है? मैं वो हूँ जो इस वक्त तुम्हारे दिमाग में उठ रहे सभी सवालों का जवाब दे सकता है। तुम पर अटैक कौन और क्यों करवा रहा है, सबका जवाब है मेरे पास। अगर जानना है तो शाम 7 बजे होटल मैरियट पहुँच जाना। अभय को अब शाम का बेसब्री से इंतजार था। अभय ने देखा कि वहाँ पहले से ही कोई बैठा था जिसकी अभय केवल पीठ देख पा रहा था, लेकिन जैसे ही वो टेबल पर पहुंचा तो वहां जो बैठा था उसे देखकर भौचक्का रह गया। आप? सामने चेयर पर विशाल राठौड़ बैठा था। हाय अभय, आओ बैठो। मिस्टर राठौड़, आप जानते हैं मुझ पर किसने अटैक किया? हाँ, मैंने करवाए थे तुम पर अटैक। आपने? पर क्यों? तुम्हारा टेस्ट था वो अभय, जिसमें तुम पास हुए। टेस्ट? पर किस लिए? जब से तुमने मेरी जान बचाई थी अभय, मैं तब से तुमसे मिलकर थैंक्स बोलना चाहता था, लेकिन मौका ही नहीं मिला। फिर कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि मेरी बेटी सानिया की जान खतरे में है, तब मुझे तुम्हारा ख्याल आया। लेकिन फिर पता चला कि तुम 3 साल से सर्विस से बाहर थे, इसीलिए तुम्हारा टेस्ट लेना पड़ा कि अपनी बेटी को लेकर तुम पर यकीन भी कर सकता हूँ या नहीं। और मैं टेस्ट में पास हो गया, इसीलिए आपने मुझे यहाँ बुलाया। हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी का साया बनकर 24 घंटे उसके साथ रहो। मुझे छुकाने के लिए मेरे दुश्मन मेरी बेटी का सहारा ले रहे हैं, और मैं नहीं चाहता कि सानिया मेरी बेटी होने की सजा भुगते। हाय पापा, तो किस स्पेशल गेस्ट से मिलवाने बुलाया है आपने मुझे? अभय ने पीछे मुड़कर देखा तो सानिया उनकी तरफ आ रही थी। कम सानिया, बेटा भय, इनसे पुरानी जान पहचान है हमारी, पर आज तक तुम नहीं मिले इनसे। ये हमें ऑफिस में ज्वाइन करेंगे, इसीलिए सोचा तुम्हें मिलवा दूं। अभय, मीट माय डॉटर सानिया, यू विल वर्क एज हर लेफ्ट हैंड इन ऑफिस। अब जब तुम दोनों को साथ में काम करना ही है तो क्यों ना तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान पहचान लो, हमारे बिजनेस के लिए अच्छा होगा। सानिया ने मना करना चाहा, लेकिन अपने पापा के खिलाफ बोल पाने की उसमें हिम्मत नहीं थी, इसीलिए उसे अभय के साथ जाने के लिए मानना ही पड़ा। दोनों होटल से बाहर निकले। अजीब मुसीबत है, मुझे तुम्हारे साथ टाइम बिताना पड़ रहा है, इससे अच्छा तो घर पर आराम से सोती। ओ मैडम, मुझे भी कोई मजे नहीं आ रहे तुम्हारे साथ जाने में, तुम कब क्या कर बैठो कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, तो तुम्हारा भरोसा है, झूठ बोलने में PhD की है तुमने। बोल रहे थे कि पापा को नहीं जानते, अब ये पुरानी जान पहचान कहाँ से निकल आई? लाया, अब तुम यहीं सड़क पर लड़ती रहोगी मुझसे या मैं जाऊं घर? थोड़ा टाइम तो पास करना ही पड़ेगा, मैं अपनी एक फ्रेंड को बुला लेती हूँ ताकि तुम्हें ना झेलना पड़े। हो, थैंक यू सो मच। तुम्हारी फ्रेंड के आने से मुझे भी तुम्हें झेलने के लिए कोई पार्टनर मिल जाएगा, बस आई होप तुम्हारी फ्रेंड तुम्हारे जैसी ना हो। तभी सानिया का ड्राइवर कार लेकर आ गया, दोनों उसमें बैठे और कुछ ही देर में क्लब में पहुंच गए। सानिया के फ्रेंड अंकिता भी कुछ देर में क्लब आ गई और उन पर नजर पड़ी अनुराग की, जो सूर्या और रिया के साथ वहां आया था। ये फटीचर यहां भी आ गया, इन जैसों को तो क्लब के बाहर भी फटकने नहीं देना चाहिए, और ये आदमी अंदर घूम रहा है। उस दिन पार्टी में तो विशाल राठौड़ की वजह से इसे कुछ नहीं बोल पाया। सूर्य प्लीज चलो यहाँ से, मुझे इस आदमी की शक्ल भी नहीं देखनी। रिया और अनुराग, तुम दोनों बिना बात ही अपना खून जला रहे हो, मेरे पास एक आइडिया है इसे सबक सिखाने का, चलो मेरे साथ। अनुराग और रिया सूर्य के पीछे पीछे चलने लगे, लेकिन सूर्य करने क्या वाला था, तीनों क्लब के मैनेजर के ऑफिस के बाहर खड़े थे। सूर्य, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, प्लान क्या है तुम्हारा? बस तुम देखते जाओ रिया। तीनों ऑफिस के अंदर गए तो सामने क्लब का ओनर जतिन कपूर बैठा था। सूर्या को देखकर वो मुस्कुराया और हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, हाय सूर्या, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कशिश का नया बॉयफ्रेंड अब है यही नीचे है, और वो भी किसी और लड़की के साथ। बेचारी कशिश के साथ गेम्स खेल रहा है, मुझे लगा तुम्हें बताना चाहिए। जतिन ये सुनकर आग बबूला हो गया, हालांकि कशिश उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी। अभय सर, क्लब के ओनर आपसे मिलना चाहते हैं। सानिया और अंकिता एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। क्लब का ओनर तुम्हें क्यों बुला रहा है? इट इज, वो मेरा फ्रेंड है तो मिलने बुलाया होगा, आप दोनों एंजॉय कीजिए, मैं कुछ देर में ज्वाइन करता हूँ आपको। क्या अभय और सानिया के नोक झोंक वाले रिश्ते में कभी आएगा सुधार? क्या रिया, अनुराग और सूर्या जान पाएंगे अभय का राज? ये जानने के लिए देखिए बंदा ये बैडएस है का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और बंदा ये बैडएस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए
डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।